जब हमारा संविधान बनने लगा तो गांधी की हत्या के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू ने पेश किया था उसके आधार पर प्रस्तावना तैयार की गई, तो अंबेडकर ने एक नया शब्द प्रस्तावित किया और उन्होंने लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और वह बात सारे लोग जानते हैं कि जो तीन उसूल हैं संविधान की प्रस्तावना में, बराबरी आज़ादी, बराबरी इंसाफ, उसके साथ चौथा सूत्र उन्होंने प्रस्तावित किया वह था बंधुत्व का, जिसको फ्रैटर्निटी कहा गया। उस वक्त की जो जेंडर ग्रस्त भाषा थी उस जेंडर ग्रस्त भाषा में हमारे पास फ्रैटर्निटी शब्द अंग्रेजी में, लेकिन बंधुत्व उसे मान लें। और अंबेडकर ने कहा कि इस बंधुत्व के बिना ये तीन चीज़ें हासिल नहीं की जा सकती, आज़ादी, बराबरी और इंसाफ। आज़ादी, बराबरी और इंसाफ समाज के किसी भी हिस्से को मिले उसके लिए समाज के सारे हिस्सों में बंधुत्व होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जिस दूसरी धारणा का प्रस्ताव अंबेडकर ने किया था वह था मैत्री। इसको आप बौद्ध परंपरा से जोड़कर भी देख सकते हैं, बाकी परंपराओं से भी, लेकिन अंबेडकर का यह आग्रह था, मैत्री का आग्रह, समाज में मैत्री होनी चाहिए। उस आग्रह को पिछले 75 वर्षों में कितना सुना गया और उस आग्रह पर कितना अमल किया गया और कितने हम सब एक दूसरे के मित्र हुए, यह एक प्रश्न है जो आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद हमें जरूर एक दूसरे से करना चाहिए। इन 75 सालों का हासिल कितनी तरह की मित्रताएं हैं और नहीं है, और क्या मित्रता आज भारतवर्ष में एक गुण माना जाता है या उसे एक षड्यंत्र के रूप में देखा जाता है, यह प्रश्न है। जब नागरिकता के कानून के खिलाफ हिंदुस्तान में एक आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन में अलग अलग किस्म के लोग शामिल होने लगे तो कहा गया तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, तुम इस आंदोलन में क्यों शामिल हो रहे हो। और अगर कोई कहता था कि मैं एकजुटता दिखलाने जा रहा हूं तो यह एकजुटता क्या चीज होती है, यह बंधुत्व क्या होता है, इसकी इजाजत आपको नहीं है, आप एक साजिश कर रहे हैं। एक शब्द उस वक्त प्रचलित हुआ जिसको कहा गया टूलकिट। छात्रों के आंदोलन में मजदूर शामिल नहीं हो सकते, मजदूरों के आंदोलन में छात्र शामिल नहीं हो सकते, किसानों के आंदोलन में कोई और शामिल नहीं हो सकता, मुसलमानों के साथ हिंदू खड़े नहीं हो सकते। और सिखों को यह कहा जाता है जैसा कि, और जब आप मित्रता, जैसा मैंने कहा कि मित्रता उतनी भी स्वाभाविक नहीं है, हो सकता है कि वो एक मानवीय स्वाभाविकता हो, लेकिन मित्रता में यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए जब 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले आपने सुना होगा दिल्ली के करीब गुड़गांव में, जिसका नाम अब गुरुग्राम कर दिया गया है, खुले में नमाज पढ़ने पर एतराज़ किया गया और नमाज पर हमला किया गया, और उस समय वहां के एक गुरुद्वारे ने अपने दरवाजे खोले, और यह मुझे बहुत साहसी कदम लगा, जिसे आप, मैं कहता हूं मित्रता का परिश्रम और मित्रता का साहस। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके पास कुछ समूह पहुंचे, गुरु तेग बहादुर की चादर, इसके पैम्फलेट लेकर, और उन्होंने सिखों को याद दिलाने की कोशिश की कि आखिर औरंगजेब ने तुम्हारे साथ क्या किया था। सिखों ने उसके बावजूद कहा कि नहीं, आप गुरुद्वारे में आके नमाज पढ़ सकते हैं। खुद मुसलमानों ने कहा कि आप नाहक खुद को मुसीबत में डालेंगे हमारी वजह से, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहते। यह जो एक घटना है जो गुड़गांव में घटी, जिसका नाम अब गुरुग्राम है, जिसमें मित्रता का एक प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव को बाधित करने के लिए एक दूसरी शक्ति वहां मौजूद थी जो याद दिला रही थी कि अतीत को याद कीजिए, जिसमें जिन लोगों को आप नमाज पढ़ने के लिए बुला रहे हैं उनके जैसे नाम वाले ने आपके जैसे नाम वाले के साथ क्या किया था। फिर आपका यह मित्रता का प्रस्ताव, इस वक्त आप यह प्रस्ताव दे ही कैसे सकते हैं।
सिखों ने उसको मानने से इनकार किया, ये अलग बात है। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।